नमस्कार दोस्तों, आज मैं कच्चा आम का चटनी बनाने जा रही हूँ। उसके लिए दो मीडियम साइज में आम लिए हैं और एक गठली धनिया पत्ता लिए हैं। सब ये आम को धो लिए हैं, छील लिए हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिए हैं और धनिया पत्ता भी धो लिए हैं। और ये देखिए, दो चम्मच मेथी ली हूँ और दो चम्मच धनिया गोटा लिए हैं और दो चम्मच अजवाइन लिए हैं। ये सारा खड़े मसाला इसमें आम के चटनी में डाला जाता है। और चार मिर्च है, उसमें दो लाल मिर्च है, दो हरी मिर्च है। अब ये गोटा मसाला को, खड़ा मसाला को भून लेंगे, हल्का गरम करेंगे सबको, फिर गरम करके चटनी में दिया जाता है तो स्वाद बहुत बढ़ती है। तो चलिए हम गरम करते हैं मसाले को। मसाले गरम करने के लिए पैन चढ़ा दिए हैं, पैन गरम हो गए हैं। अब इसमें मेथी डालेंगे पाउडर, हल्का गरम करेंगे इसको, ज़्यादा नहीं गरम करेंगे। इसी में धनिया गोटा डाल देंगे, इसी में दोनों को हल्का भूनेंगे, फिर अजवाइन डालेंगे, क्योंकि अजवाइन छोटा छोटा होता है, वो जलने लगेगी, इसीलिए बाद में डालेंगे उसको। ये देखिए, अब ये भुना गया है हल्का, अब इसमें अजवाइन डाल देंगे, सबको भूनेंगे, दो से तीन सेकेंड भूनेंगे, ज़्यादा देर नहीं भूनेंगे। और इसी में मिर्च भी डाल देंगे, मिर्च भी भुना जाएगा, फिर बहुत टेस्टी बनती है चटनी। आम के चटनी में हमेशा खड़ा मसाला डालेंगे दोस्तों, तो बहुत टेस्टी बनेगी। एक बार आप ट्राई कीजिए, फिर कमेंट में बताइएगा कैसे बने हैं। ये देखिए, चटकने लगी है सब मसाले। अब चूल्हा को बंद कर देंगे। अब ये भुना गया है, तो इसी प्लेट में निकाल लेंगे सबको। अब ये दो मिनट ठंडा होने के लिए देंगे। तब तक मिक्सी जार में हम आम भर लेते हैं। तब तक देखिए, चार में आम भर लेते हैं। ये एक बार नहीं आएगी, इसमें दो बार देंगे और धनिया पत्ता डाल देंगे इसी में। चलिए, तो मिक्सी में पीसते हैं इसको, फिर ये सामग्री देंगे। ये देखिए, एक बार चला दिए हैं मिक्सी को, ये पिसा गया है, और जो बची है आम वो डाल देंगे और इसमें मसाला डाल देंगे। सारी मसाला इसमें जाएगा और ये मिर्च डालेंगे, मिर्च को तोड़ के डाल देंगे, अगर लंबा लंबा है इसमें आएगी नहीं। फिर एक बार चला देंगे। ये देखिए दोस्तों, ये सब कुछ पिसा गया है, आम, धनिया पत्ता, मसाला, मिर्च, सब कुछ पिसा गया है। इसमें दोस्तों वो नमक नहीं दिए थे, तो स्वाद अनुसार नमक दे देंगे। और एक बार और फिर चला देंगे मिक्सी को। ये देखिए दोस्तों, ग्राइंड कर लिए हैं, बहुत बढ़िया बनी है आम की चटनी, खुशबू दे रहे हैं, खोलते ही चार को जैसे खोली हूँ वैसे खुशबू देने लगी है। दोस्तों, एक बार आप लोग ट्राई कीजिए और कमेंट में बताइए कैसे लगते हैं चटनी। अब सर्व कर लेते हैं दोस्तों, बहुत बढ़िया बनी है आम का चटनी और धनिया पत्ता की चटनी, दोनों मिक्स करके बहुत अच्छी टेस्टी बनी है चटनी।
आप लोग भी एक बार ट्राई कीजिए, और दोस्तों अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगला वीडियो में नया चटनी के साथ।